हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर सीरीज। आज हम आए हैं भूज में, यहाँ पे 3 दिन का प्लान है रुकने के लिए और अमेजिंग होम स्टे में रुके हुए, जहाँ के जो रूम टूर है और जो होम स्टे का टूर है वो अंजलि हमें देगी। होम टूर मैंने देख चुका है, वो आप इंट्रो में देख लेना, दो चेयर दो टेबल मेरा हो गया आज का। उसने बहुत मस्त बोला है, नेक्स्ट टाइम आपको रूम टूर देगी अंजलि एकदम अंडर 30 सेकंड्स में। अंडर 30 सेकंड्स का टाइम तो मुझे करने है, रूम टूर देने के लिए बोला है, मैं जल्दी दे रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है दो चेयर, ये है दरवाजा, ये दूसरा दरवाजा, ये एक चेयर, ये दरवाजा, ये दो बेड, यहाँ अपने आप को आप टाल सकते हैं और ये टॉयलेट हो गया। डन अंडर 30 सेकंड्स। अरे भाई आजा आजा, बड़ा 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 बोलना तो वीडियो में चलेगा। शाम के 4 और 1.5 घंटा हमने रेस्ट कर लिया, क्योंकि बहुत लंबी ट्रैवलिंग हो गई थी और बीच में बहुत ही गंदा ट्रैफिक जाम था, कम से कम 1.5-2 घंटे का ट्रैफिक जाम था। बट लकीली एक बंदा हमने अच्छा मिल गया, दोस्त ने बोला यू टर्न लेके आ जाओ और रॉन्ग साइड पे चलते। शॉर्ट स्टोरी, हम रॉन्ग साइड रॉन्ग साइड से आए, कम से कम 10-15 किलोमीटर तो रॉन्ग साइड चला गए, फॉर्चुनेटली पहुँच गए। अब निकलते हैं हम, कौन सा हम क्या क्या देखने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं आईना महल देखने, प्राग महल देखने एंड देन कच्छ म्यूजियम, बिकॉज हमें बोला गया कि वो कल बंद रहता है वेडनेसडे को, तो हम ट्राई करेंगे आज ही कवर कर ले। और स्वामीनारायण टेंपल भी ना, ये आप अगर हमारी जान बची तो। आइटनरी थोड़ी सी है, कल बहुत लंबा डे है, सो आज 1-2 प्लेसेस देखते हैं, लेट्स सी कैसा ये प्लेसेस। आईना महल और प्राग महल दोनों प्लेसेस आप एक ही बार में विजिट कर सकते हो, बिकॉज ये दोनों महल एक ही कंपाउंड में सिचुएटेड है, जिसको दरबारगढ़ कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। प्राग महल का नाम राव प्रागमल जी सेकेंड के नाम के ऊपर से रखा गया है, जिसे इस महल की स्थापना 1865 में करवाई थी और उस टाइम पे इसको बनाने का जो कॉस्ट था वो तकरीबन 30 लाख रुपीज हुआ था, ऐसा माना जाता है। प्राग महल को कर्नल हेनरी विल्किंस ने डिजाइन किया था, इसी वजह से यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर में इंडियन एज वेल एज इटालियन दोनों की झलक नजर आएगी। 2001 के अर्थक्वेक में ये महल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और अभी रिस्टोरेशन के बाद ये महल पब्लिक व्यूइंग के लिए ओपन है। इस महल को विजिट करने की जो टिकट है वो है 60 रुपीज पर पर्सन, इसके अलावा अगर आपको कैमरा यूज करना है देन उसका 100 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज है। ग्राउंड फ्लोर पे आपको दरबार हॉल देखने को मिलेगा, जहाँ पे यूरोपियन स्टाइल में शैंडलियर्स, मिरर और काफी सारे क्लासिक स्टैचूज भी रखे गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी 2 कमरे हैं, जहाँ पे वेरियस टाइप्स के मिरर्स और काफी सारी पुरानी चीजें रखी गई है जो कि उस जमाने में यूज की जाती थी। रूम से बाहर निकलते ही सामने की तरफ एक क्लॉक टावर है, जहां से आपको पूरे भूज सिटी का 360 व्यू देखने को मिलता है। अब चलते हैं शीश महल, जो कि प्राग महल के एग्जैक्ट बाजू में ही, यहाँ पे 2 फ्लोर्स हैं, वो दोनों देख लिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। प्राग महल से बाहर निकलते ही सामने की साइड आपको दिखता है आईना महल। आईना महल का मतलब है पैलेस ऑफ मिरर्स। 18th सेंचुरी में बनाए गए इस पैलेस की स्थापना राव लखपत जी के द्वारा 1715 में हुई थी और इसको डिजाइन किया था राम सिंह मलम ने। आईना महल में भी 2 फ्लोर्स है, जहाँ पे आपको ऑडियंस हॉल, हॉल ऑफ मिरर्स, फवारा महल जैसे सेक्शंस देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे आपको लॉक्स, कीज, शैंडलियर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पुराने हथियार, पेंटिंग्स और पिक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। There is also a हीरा महल जहाँ पे लखपत जी का बेड रखा गया है और जिसके बाजू में आपको उनके चप्पल, हुक्का, गेम्स और दूसरी काफी पर्सनल चीजें भी देखने को मिलेगी। फवारा हॉल में काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं और इसके आसपास फवारे भी लगाए गए, सो द नेम फवारा महल। और ऐसी काफी सारी चीजें आपको इस महल में एंटिक और पुरानी देखने को मिलेगी जो किंग उस समय पे यूज किया करते थे। तो हमारा दोनों महल देख के हो चुका है। जो दूसरा महल था उसमें अनफॉर्चुनेटली हम लोग वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो इसीलिए मैंने फोटोग्राफ लिया और वॉइस ओवर दिया है। बट वही है, जितने भी अपने राजस्थान महल देखे थे ऐसा ही सब बना हुआ है। कैसा लगा शीश महल? अच्छा है, बहुत सारे मेरे अपने आपको देख सकते हैं, अपने आपको देख सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं दाबेली खाने के लिए, मेरे फ्रेंड ने एक अच्छी जगह देखी थी तो चलते हैं वहाँ पर, देखते टेस्ट करते कैसे दाबेली। हम लोग कुछ 6-7 साल पहले आए थे भूज में किसी फंक्शन के लिए, तब हमने यहाँ पे दाबेली खाई थी और मुझे याद थी कि जो दाबेली हॉस्पिटल रोड से दाबेली और यार तू नहीं यही खाई थी? नहीं, हॉस्पिटल रोड पे दाबेली और फ्रेंकी बहुत अच्छी मिलती, दाबेली तो मिल गई और फ्रेंकी ढूंढते हमने यही खाई। नहीं यही नहीं है, पता नहीं यहाँ खाई थी या नहीं, बट है तो बहुत अच्छी। तो डेफिनेटली मोहन डबल रोटी पे आओ, मस्त है, मुझे खाना।